जज्बा चाहिए कि भाई नहीं, ये अब जो हमें आया है इसको तो हमने आगे जाना। सो इसलिए जितना भी प्रोग्राम आपको बताया जा रहा है उसका सेंटिटी मेंटेन करते हुए भी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ज्यादा हम अगर फोकस रहे, क्योंकि टाइम आपका हम वेस्ट नहीं करना चाहते। यहां पे बुलाया और पूरा दिन बैठ के डिसीजन कर लिया, आउटपुट कुछ जीरो, वैसा नहीं। तो ये प्रोग्राम क्या था करना पड़ेगा हमें, अगर हमें ये एक्चुअल में जितनी भी हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं इनको ग्राउंड लेवल तक इंप्लीमेंट करने के लिए। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और आपके ऊपर पूरी जो है कंट्री के नजरें हैं और इसकी मॉनिटरिंग बहुत डिफरेंट लेवल पे होने वाली है, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें। बहुत मेहनत से, तन मन धन से और ईमानदारी से ये सारे प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट करने की हमें आज से अभी से अपने माइंड में क्लियर लेनी पड़ेगी कि भाई ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। ये आपको अब समझ में आ जाएगा जल्दी, क्योंकि कहने के लिए बहुत आसान है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारे का सारे आपको अब समझ में आ जाएगा जल्दी, क्योंकि कहने के लिए बहुत आसान है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ये सारे का सारा। आज का जो प्रोग्राम है माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है एक बहुत बड़ी कमेटी के द्वारा सैंक्शन करा के हमारी जम्मू कश्मीर यूटी को दिया है। उस ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरे यूटी में चलेगा और इस प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा बनाई गई है, पहला भाग है इसका वो था यूटी लेवल की ट्रेनिंग, वो 6 से 8 को हुई। उसके बाद इसका डिवीजन लेवल का था, वो भी 1-2 दिन पहले जो है डिवीजन लेवल की ट्रेनिंग खत्म हुई। आज से जो है हर ज़िले में 6 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक जितने भी 28 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं भारत सरकार ने हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए, उनका आज पहला दिन था। आज की जो ट्रेनिंग थी हमारी ये क्लस्टर डेवलपमेंट में थी। आप देख रहे हैं जो सब्जियां, फल हैं या बासमती है हमारी यहाँ की सांबा की खास, ये वेस्टेज हो जाती है, इसकी आज मार्केट वैल्यू नहीं किसान को मिलती, लोग इकट्ठे एकत्रित नहीं होते, उनको अच्छे से लोगों को स्टोरेज नहीं मिलते, लोगों को अच्छी मार्केट नहीं मिलती। उसी के संदर्भ में आप देखें आज 100 से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सब डिविजन लेवल ऑफिसर, तहसील ऑफिसर, पंचायत लेवल के ऑफिसर और आपने देखा आज पूरी टीम है हमारे पास सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों की आज हमारे इसमें जो कार्यक्रम में, ये सारी यही डिस्कस कर रहे हैं आज कि हम जो क्लस्टर की डेवलपमेंट को कैसे करें। आज का जो दिन है वो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग का पहला दिन आज शुरू हुआ है। इसमें हम जो एग्जोटिक सब्जियाँ हैं, वेजिटेबल हैं जो किसान अभी लगा रहे हैं और जो और तरह की सब्जियां, जैसे ब्रोकली है हमारी, लैटियूस है, इस तरह की जो सब्जियां हैं इनका क्या स्कोप है, यहाँ पर क्लस्टर कैसे बनेगा, हमारे किसानों का उद्धार कैसे होगा, जो हमारा सांबा का पिछड़ा हुआ किसान है ये उनके लिए वरदान है एक जो भारत सरकार का दिया हुआ, वो माननीय एलजी साहब का, और मैं धन्यवाद करता हूँ अटल डुल्लू जी का जिन्होंने इतनी मेहनत की है। तो उसी के संदर्भ में ये पूरा दिन ये शाम तक ये है कार्यक्रम चलेगा। ऐसे ही कार्यक्रम कल का दिन, एक दिन ब्रेक है, फिर परसों हमारा एक कार्यक्रम है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रोजेक्टों के तहत सारे अफसर उसको समझेंगे, प्रेजेंटेशन होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है और इसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाती है ताकि समझें, पहले जरूरत है इस प्रोजेक्ट को समझें कि हमने चलना क्या है, हमारा मार्क क्या है, बेंच मार्क क्या है, हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी, हमें काम क्या करना है, लक्ष्य कैसे निर्धारित होगा और हमारी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। इन सब को देखते हुए आज का जो कार्यक्रम था हमारे कृषि विश्वविद्यालय जम्मू का, जो कृषि विज्ञान केंद्र सांबा का प्रांगण है, यहाँ पर ये चल रहा है।